स्वागत है आपका HYD TV में, मैं हूं फरहाद। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केसीआर सरकार का बड़ा ऐलान, तेलंगाना भर में लगेंगे ईएनटी रोगियों की जांच के लिए शिविर। चीफ सेक्रेटरी एसके जोशी ने जारी किए निर्देश। मुख्यमंत्री केसीआर करेंगे यूएई का दौरा, 3 दिवसीय दौरे पर 6 जनवरी को होंगे रवाना। YS जगन की हत्या के प्रयास मामले की करेगी एनआईए जांच, जगन के अधिवक्ता बोले न्याय की। बाबरी अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, मामले की त्वरित सुनवाई के लिए अलग बेंच का होगा गठन, 10 जनवरी तक टली मामले की सुनवाई। और राहुल गांधी पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का पलटवार, कहा हम 2019 में ही पहला राफेल विमान, कांग्रेस बताए 10 साल में क्यों नहीं लाए। और अब खबरें विस्तार से। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इस महीने की 6 तारीख को यूएई के दौरा करने वाले हैं। सूत्रों का कहना है ये यात्रा 3 दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। इस यात्रा के लिए सभी विवरण पूरे कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि केसीआर दुबई में रह रहे तेलंगाना के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। राज्य सरकार के मुख्य सचिव एसके जोशी ने आगामी फरवरी माह में नाक कान और गला यानी ईएनटी रोगियों की जांच के शिविर को आयोजित करने का आदेश दिया है। जोशी के जारी आदेश में अधिकारियों से कहा गया है कि इस शिविर को सफल बनाने आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्य सचिव ने बताया कि नेत्र जांच शिविर यानी कंटी वेलुगु के बाद अब ईएनटी जांच शिविर राज्य भर में आयोजित करने का निर्णय। मुख्य सचिव ने बैठक करके जांच शिविरों की तैयारी। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी आवश्यक कदम और सभी आवश्यक उपक्रम उपलब्ध किए जाएं, साथ ही शिविर में किसी प्रकार की परेशानी ना हो इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। शिविर में रोगियों को हियरिंग एड्स और औषधियां, साथ ही स्वास्थ्य परीक्षण वाले विशेषज्ञों को तैनात किया जाएगा। मुख्य सचिव ने जारी आदेश कहा कि सभी विभाग के अधिकारी इस कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करें ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ मिल सके। तेलंगाना के गृह मंत्री महमूद अली ने तेलंगाना एनजीओ के डायरी और कैलेंडर को जारी किया। हैदराबाद के रविंद्र भारती ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में महमूद अली ने मुख्य अतिथि के तौर पर वो उपस्थित थे। इस आयोजन में देवी प्रसाद, नंदिनी सिद्ध रेड्डी, करम रविंद्र रेड्डी और राजेंद्र ने भी भाग लिया। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने YS जगन मोहन रेड्डी की हत्या के प्रयास मामले को एनआईए को सौंप दिया है। हाईकोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अधिवक्ता ने इसे बहुत बड़ी जीत करार दिया, साथ ही कहा कि एपी सरकार ने कानून का उल्लंघन किया है, ये फैसला चंद्रबाबू की सरकार के लिए करारा तमाचा है। उन्होंने आगे कहा कि YS जगन हत्या के प्रयास मामले में एपी पुलिस दोषी है, पुलिस को इस मामले में सजा होने तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आपको बता दें कि 25 अक्टूबर को YSRCP के प्रमुख और आंध्र प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष YS जगन मोहन रेड्डी विशाखापट्टनम एयरपोर्ट में लॉन्च में बैठे हुए थे कि तभी एक वेटर सेल्फी लेने के बहाने उनके पास आया और ब्लेड जैसे एक हथियार से उन पर हमला कर दिया था। हमले में YS जगन के बाएं हाथ में गंभीर चोट आई और रक्त रसाव भी हुआ था। GHMC आयुक्त दाना किशोर ने शुक्रवार की सुबह अचानक शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हुए बल्दी समस्याओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मेहदीपट्टनम में स्थित रायतू बाजार, सुलभ कॉम्प्लेक्स, सड़कों और कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों का दौरा करते हुए साफ सफाई का निरीक्षण किया। मेहदीपट्टनम जंक्शन के पास सीवेज पाइप को लेकर उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर की। इसके अलावा एक घर से सड़क पर पानी के बहने पर दाना किशोर ने घर के मालिक पर जुर्माना लगाया और उसका पानी का कनेक्शन ही काट दिया। दूसरी तरफ मूसा नदी के किनारों पर अवैध निर्माण को खत्म करने के लिए सर्वेक्षण कराने के लिए उन्होंने जोनल कमिश्नर को निर्देश दिया है। उन्होंने कारवा रिंग रोड से जियागुरा तक सर्वेक्षण करवाने और सड़कों से कचरे को हटाने के भी आदेश दिए।
तेलंगाना में स्वाइन फ्लू के मामले में इजाफा देखा जा रहा है। इसकी असल वजह तापमान में गिरावट बताई जा रही है। पिछले 3 महीनों के दौरान 892 लोग इंस्टीट्यूट ऑफ प्री विटामिन डिजीज लैब में पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि कम तापमान में ये वायरस ज्यादा होता है। पिछले 3 माह के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ प्री विटामिन डिजीज लैब में स्वाइन फ्लू के 4,228 नमूने भेजे गए, जिनमें से 892 नमूने पॉजिटिव पाए गए हैं। डॉक्टरों ने जनता पर जोर दिया है कि वो स्वाइन फ्लू से खुद को बचाने के लिए सभी तरह की सतर्कता अपनाएं। विकाराबाद जिले में हुई सड़क दुर्घटना में तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक नेता की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये दुर्घटना जिले के पुटूर मंडल क्षेत्र के कंडमपल्ली स्टेज के पास आज सुबह हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बोमरासपेट मंडल के TRS नेता बुचन्ना अपने एक दोस्त के साथ हैदराबाद के लिए रवाना हुए। कोंडपल्ली स्टेज के पास अचानक जंगली सुअर रास्ते में आ गए। बुचन्ना ने जंगली सुअरों को बचाने के चक्कर में कार पर से संतुलन खो दिया। इसके कारण कार पलटते हुए खाई पर जा गिरी और सड़क किनारे गिर गई। इस दुर्घटना में बुचन्ना की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। दूसरी ओर दुर्घटना की जानकारी मिलते ही TRS के नेता घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही बुचन्ना के निधन पर TRS नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। ఏడున్నర పాలుదక్క ఎనిమిది ఆ టైంలో కళ్ళపల్లి గడి దగ్గర పోతుంటే పందులు వచ్చాయి ఎక్కువగా అడిగి పందులు పందులు తప్పిన పోయి కింద తీసుకోమని వేప చెట్టు కుదేసి బండి పట్టివాడు. అందులో డ్రైవింగ్లో అన్నాడు బండి కూడా పెద్ద స్పీడ్ ఏం లేదు నార్మల్గా స్పీడ్ అని మా బయట కొద్ది ఎప్పుడు అనుకోలి అన్న ఇప్పుడు కూడా ఫోన్ డ్రైవింగ్ పర్ఫెక్ట్ డ్రైవింగ్ దాదాపు 15 సంవత్సరాలు ఎక్స్పీరియన్స్ అన్న కొత్త డ్రైవింగ్ ఎప్పుడు వెళ్తుంటే మేము అసలు ఎట్లయితే అని అనుకోలేదు. చిన్న మరణం చాలా బాధాకరం. వారు ఉదయాన్నే హైదరాబాద్ రావడానికి డ్రైవ్ చేస్తుంటూ అనుకోకుండా మనగుడు దగ్గర యాక్సిడెంట్ చనిపోవడం చాలా బాధ ఉన్నది. కొడంగల్ ప్రాంతంలో బీసీల వర్గానికి చెందినటువంటి పేరినటువంటి నాయకుడు మరణం చాలా బాధాకరంగా ఉన్నది. వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా దేవుడు భగవంతుడు గురువుడు బాగుందని. सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मामले की सुनवाई के लिए एक नई बेंच बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले पर देखिए HYD TV की ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बीते 8 सालों से लंबी राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई 10 जनवरी तक के लिए टाल दी गई है। इसके लिए 7 या फिर 8 जनवरी को नई बेंच का गठन हो सकता है। अयोध्या विवाद पर जल्द सुनवाई की मांग वाली जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की बेंच के सामने राम जन्मभूमि मामले से जुड़ी कुल 15 याचिकाएं हैं जिस पर सुनवाई होनी है। बेंच के बनने के साथ ही सुनवाई की प्रक्रिया और तारीखों के ऐलान का पता आगामी 10 जनवरी को ही होगा। नई बेंच को ये अधिकार है कि वो मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करे ताकि मामले पर तेजी से सुनवाई हो सके। हिंदू महासभा के वकील ने मामले में रोजाना सुनवाई की अदालत से मांग की है। दलील दी गई है कि अगर इस मामले पर रोजाना सुनवाई होती है तो 2 महीने में फैसला आ सकता है। वहीं इस केस में पक्षकार इकबाल अंसारी ने प्रधानमंत्री के उस बयान का समर्थन किया है जिसमें PM नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब तक ये मसला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तब तक सरकार अध्यादेश नहीं लाएगी। ये मुद्दा अयोध्या भूमि विवाद की सुनवाई के दौरान उठा था। विभिन्न हिंदू संगठन विवाद स्थल पर राम मंदिर का यथाशीघ्र निर्माण करने के लिए अध्यादेश लाने के बारे में निर्णय का सवाल उठेगा। मोदी की ये टिप्पणी
आरएसएस समेत हिंदुत्व संगठनों की तेज होती उस मांग के बीच आई थी कि मंदिर के जल्द से जल्द निर्माण के लिए एक अध्यादेश लाया जाएगा। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति सुरक्षा भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो उसमें हम बल लगाएं। तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है। मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि उसके द्वारा गठित एक उपयुक्त पीठ बाबरी मस्जिद भूमि के मालिकाना विवाद मामले की सुनवाई की तारीख तय करने के लिए 10 जनवरी को आदेश देगी। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एसके कॉल की पीठ ने कहा कि एक उपयुक्त पीठ मामले की सुनवाई की तारीख तय करने के लिए 10 जनवरी को आगे के आदेश देगी। सुनवाई के लिए मामला सामने आते ही प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि ये राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला है। अलग अलग पक्षों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ताओं हरीश सालवे और राजीव धवन को अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं मिला। मामले की सुनवाई 30 सेकंड भी नहीं चली। अब अयोध्या भूमि विवाद मामले को आगे ले जाने के लिए 3 सदस्यीय एक बेंच का गठन किया जाएगा। इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्ष 2010 के आदेश के खिलाफ 14 याचिकाएं दायर हुई हैं। उच्च न्यायालय ने इस विवाद में दायर 4 दीवानी वाद पर अपने फैसले में 2.77 एकड़ भूमि का सुन्नी वक्फ बोर्ड निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच समान रूप से बंटवारा करने का आदेश दिया था। इससे पहले 29 अक्टूबर को न्यायालय ने इस मामले को उपयुक्त पीठ के समक्ष जनवरी के प्रथम सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया था। बाद में अखिल भारत हिंदू महासभा ने एक अर्जी दायर कर सुनवाई की तारीख पहले करने का अनुरोध किया था, परंतु न्यायालय ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने कहा था कि 29 अक्टूबर को ही इस मामले की सुनवाई के बारे में आदेश पारित किया जा चुका है। अखिल भारत हिंदू महासभा इस मामले में मूलवादियों में से एक एम सिद्दीकी के वारिसों द्वारा दायर अपील में एक प्रतिवादी है। इससे पहले 27 सितंबर 2018 को 3 सदस्य पीठ ने 2-1 की बहुमत से 1994 के एक फैसले में की गई टिप्पणी 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास नए सिरे से विचार के लिए भेजने से इनकार कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, HYD TV। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हवाले से कहा है कि लॉर्ड राम से किसी को बैर नहीं है और ना ही होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जिस भी दिन ये मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा, मैं भी एक पत्थर लगाने जाऊंगा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले का जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण किए जाने को लेकर कहा कि अयोध्या मामले पर बातचीत के जरिए ही इसका समाधान निकालना चाहिए और अयोध्या राम मंदिर मामले को आपसी बातचीत से सुलझाने की कोशिश होनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले को अदालत में ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संसद का शीतकालीन सत्र लगातार हंगामे की वजह से बाधित हो रहा है। लोकसभा में जहां राफेल पर बहस जारी है, वहीं राज्यसभा में 3 तलाक विधेयक पेश होना है। आज लोकसभा के एजेंडे में राफेल पर बहस जारी है। 2 जनवरी को राहुल गांधी ने राफेल डील पर
चर्चा में भाग लिया था और मोदी सरकार पर कई आरोप लगाए थे। इन्हीं आरोपों पर केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा कि राहुल गांधी की फ्रांस के राष्ट्रपति से जो भी बात हुई उसकी आधिकारिक प्रति संसद के समक्ष रखी जानी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने देश और संसद को गुमराह किया है, ऐसा निर्मला सीतारमन ने कहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने राफेल मुद्दे पर बहस के दौरान लोकसभा में कहा कि पीएम के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, राफेल पर कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है, कांग्रेस ने एचएएल की हालत सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एचएएल से हेलीकॉप्टर आखिर क्यों नहीं खरीदे। That remark is expunged now, I understand. But I was called. Jhooti. I'm sorry, unparliamentary it might be. It was. I've heard in the milli on that day. Raksha Mantri Nirmala Sitharaman jhoot bol rahi. Later on it was expunged. Now, Raksha Mantri is jhoot bol rahi. Pradhan Mantri chor hai. Ye bhi is parliament mein bola gaya. प्रधानमंत्री झूठे हैं, ये भी इधर बोला गया मैडम। सो इफ सम पीपल हैव थिन स्किन एंड दे गेट वेरी सेंसिटिव अबाउट देयर नेम्स बीइंग टेकन, इवन आई एम सेंसिटिव मैडम, आई डोंट हैव अ खानदान टू बोस्ट ऑफ, आई कम फ्रॉम ऑर्डिनरी बैकग्राउंड, आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, आई कम विद माय ऑनर इंटैक्ट। Pradhan Mantri ji comes from a very low or poor economic background family. He has come up the hard way. His name is untarnished today. He is not corrupt. And he has led a clean government. You call them chor, you call them jhoote, and you expect us to sit. बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अन्य प्रोग्राम्स और छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए HYD TV।